हाय फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं ज्ञानेंद्र पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट टाइम पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ का आज पहला ही लेक्चर है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप क्या क्या कौन कौन चीज़ पढ़ेंगे। सो गाइज, इसमें क्या विषय सोची मतलब इंटेक्स में बताऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सो गाइज, आइए हम लोग बिना लेट के हुए आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में क्या क्या पढ़ना है। सो गाइज, हम लोग इसमें मैथ में क्या होता है, इसमें पांच खंड होता है। पांचों खंड को हम अलग अलग बताएंगे। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ लिखते चलिए। तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, पहला जो खंड होता है खंड एक, इसमें हम लोग बीजगणित पढ़ते हैं, मतलब बीजगणित। इसमें हम लोग बीजगणित पढ़ते हैं। बीजगणित में फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। फ्रेंड्स आप लिखते चलिए ताकि मैं इसको इरेज भी कर दूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, उसके बाद पढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी उसके बाद गाय हम लोग पढ़ते हैं तीसरे पर द्रुपद सिद्धांत। द्रुपद सिद्धांत, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। ये गाइज आप देख लीजिए और इसका आप सारी स्क्रीन मार सकते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग खंड खंड दूसरे में क्या पढ़ते हैं गाइज, उसके बाद हम लोग खंड दूसरे मतलब सेकंड खंड में क्या पढ़ते हैं, सदिश बीजगणित। जो हम लोग खंड पहला पढ़े तो उसमें चार चैप्टर थे, इसमें पांचवा चैप्टर हमारा जो है सदिशों का योग अंतर एवं वियोजन क्या होता है। गाइस आप लिखते चलिए, सदिशों का योग अंतर एवं वियोजन, एवं वियोजन। उसके बाद छठवें जो छठवां चैप्टर है हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो सदिशों का अदिश अदिश या बिंदु गुणन। उसको हम लोग सातवां चैप्टर पढ़ते हैं सदिश या बजगुणन। आप इसको लिख दीजिए, आपका पूरा सिलेबस मतलब मैथ का जो भी है आपका इंटेक्स यही है, विषय सोची सदिश या बजगुणन। उसके बाद हम लोग आठवां पढ़ते हैं अदिश त्रिगुणनफल। अदिश त्रिगुणनफल उसके बाद हम लोग नौवां चैप्टर पढ़ते हैं सदिश त्रि सॉरी ये हो गया अदिश त्रिगुणन, उसके बाद सदिश त्रिगुणन पढ़ते हैं, सदिश त्रिगुणन फल। ये आपका नौ चैप्टर। उसके बाद अब और भी इसमें कुछ चैप्टर हैं, इसको इरेज करके फिर आपको लिख के बताता हूँ, आप इसका शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। उसके बाद गाइस आप दसवां प्रश्नावली पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं, आई ग्राम आपको पढ़ना है डी मायर प्रमेय। उसके बाद गाइस हम लोग खंड तीसरा पढ़ेंगे, खंड तीसरा में क्या है, उसके बाद गाइस हम लोग खंड तीसरा में त्रिकोणमितीय पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय हमें दो दो एक्सरसाइज पढ़ना है। पहला एक्सरसाइज है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध है, और दूसरा आपको पढ़ना है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। उसके बाद खंड चौथे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद गाइस हम लोग खंड फोर में क्या पढ़ेंगे, अवकलन गणित। अवकलन गणित फर्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, आपका फलन हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, उसके बाद हम लोग लिमिट पढ़ेंगे सीमा,
अब हम लोग सोलहवा प्रश्नावली पढ़ेंगे, सतत एवं अवकलनीयता। उसके बाद सातवें प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे, प्रारंभिक अवकलन। उसके बाद हम लोग खंड फाइव में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद गाइस हम लोग खंड फाइव में क्या पढ़ेंगे, अवकलन गणित सेकेंड। उसमें अब इस जो खंड चार था उसमें हम लोग पढ़े थे अवकलन गणित फर्स्ट, ये है अवकलन गणित सेकेंड। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ेंगे। उसके बाद अवकलन के सरल उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। उसके बाद पढ़ेंगे वर्तमान एवं ह्रासमान फलन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। सो गाइज इसमें मैंने ये पूरे जितने भी आपको पर जितने भी प्रश्नावली आपको पढ़ना है वो सब मैंने बता दिया है। मैं अब हर एक प्रश्नावली का जो भी है कि हर एक खंड का जितने भी प्रश्नावली उसमें सब का आपका क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो हमारे हमारे चैनल करंट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।